स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के लिए हो रहे सर्वे में इंदौर बाजीमाने यानी चौका लगाने की तैयारी में है। तीन बार हैट्रिक लगा चुका इंदौर पहली और दूसरी तिमाही में देश भर में टॉप पर है और स्वच्छ शहर का खिताब चौथी बार हासिल करने से बस एक कदम दूर है, जिसमें इंदौर का चौका लगना तय कहा जा रहा है। इससे पहले महापौर मालिनी गौड़ ने ट्वीट कर कहा, हमारा इंदौर फिर से नंबर वन आया है, अब मुख्य परीक्षा की घड़ी भी आने वाली है। इंदौर स्वच्छता की दिशा में लगातार तीन सालों से बाजी मार रहा है और अब चौथे साल भी बाजी मारेगा। 4 से 31 जनवरी 2020 तक स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 चलेगा और पूरा फोकस इसी परीक्षा की घड़ी पर किया जा रहा है। तीन बार हैट्रिक लगा चुका इंदौर पहली और दूसरी तिमाही में देश भर में टॉप पर है और स्वच्छ शहर का खिताब चौथी बार हासिल करने से बस एक कदम दूर है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 का जो टीम है हमारे पास में 4 से 6 तारीख के बीच में आएगा, तो पूरे शहर का दौरा करेगा। उसमें हम लोगों की तैयारी पूरी है और हम लोग पूरी उम्मीद है कि हम 4 तारीख तक में हमारी सारी व्यवस्था को पूरा सुनिश्चित कर लेंगे। खास हमारा जो ब्यूटिफिकेशन है, आपके पॉटल से, लेटर बिन से, आपके DTN से, सभी की तैयारी पूरी है। वही भोपाल पहली तिमाही में दूसरे नंबर पर रहा, जबकि दूसरी तिमाही में 5वें नंबर पर। स्वच्छता सर्वेक्षण की पहली और दूसरी तिमाही के आंकड़े मंगलवार को जारी किए गए। दोनों में इंदौर देश भर के सबसे स्वच्छ शहरों में टॉप रहा। 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले टॉप 5 शहरों में इंदौर के बाद राजकोट, नवी मुंबई, वडोदरा और फिर भोपाल रहा। महापौर मालिनी गौड़ ने ट्वीट कर खुशी जाहिर की, अब 4 से 31 जनवरी 2020 तक स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 चलेगा, हमें सर्वेक्षण में भी प्रथम आना है और स्वच्छता का चौका लगाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर बार न्यूज़, इंदौर।